हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप चैन स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स ये, और बैक साइड इसका इस तरह से दिखेगा। आइए सीखते हैं। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद चार रो हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेनी है। इधर पर मैंने दो रो बना चुकी हूँ, ये हमारी तीसरी रो है। तीसरी रो में एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से हमने चार रो तक कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी रो में एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से हमने चौथी रो भी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद चार रो हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेनी है। अब हम डिजाइन शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा फंदा इसको हमने सीधा ही बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसको हमने सीधा ही बना लेना है। अब क्या करना है, ये उल्टा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, ये बीच में सीधा फंदा दिख रहा है, इसमें हमने एक दो तीसरी रो तीसरे होल से इस तरह से धागा निकाल लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। बीच वाला फंदा है, इसको हमने सीधा फंदा सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, अब इसी होल से हमने एक बार इस तरह से और धागा निकालना है। ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसको हमने सीधा बना लेना है। फिर ये उल्टा फंदा दिख रहा है, ये उल्टा फंदा दिख रहा है, और सेंटर में जो सीधे फंदा दिख रहा है, सीधे फंदे एक दो, ये तीसरे होल से हमने इस तरह से धागा निकाल लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। ये उल्टा फंदा दिख रहा है, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ रखेंगे, इसी होल से एक बार फिर हमने और धागा निकालना है इस तरह से। ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसको हमने सीधा बना लेना है। फिर यहाँ पर उल्टा फंदा दिख रहा है, उल्टा फंदा दिख रहा है, अब बीच में एक दो तीसरे होल से हमने इस तरह से धागा निकालना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको उल्टा फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, साइड वाला सीधा है, इसको हम सीधा ही बना लेंगे। यहाँ पर फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिक्स रो डिज़ाइन की सिक्स रो। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हमने उल्टा बना लेना है। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, अब इसको हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है। उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे,
और फिर ये दिख रहा फंदा, इसको हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रख देना है। धागा आगे की तरफ रखेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। ये उल्टा फंदा दिख रहा, इसको हमने उल्टा बना लेना है। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे। और ये उल्टा फंदा दिख रहा, इसको हमने उल्टा ही बना लेना है। फिर ये फंदा दिख रहा है, इसको बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे। धागा आगे की तरफ रखेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा, आगे की तरफ, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, अब इस फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रख लेंगे। अब ये फंदा उल्टा दिख रहा, इसको हमने उल्टा बना लेना है, सीधा फंदा सीधा बना लेना है। यहाँ पर हमारी 6 रो भी कंप्लीट हो चुकी है, डिज़ाइन की 7th रो। पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ। अब इधर हमने ये साइड में है, तो इस पर हमने दो फंदे का एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। इसको धागा आगे की तरफ, उल्टा फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ लेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। और ये उल्टा फंदा दिख रहा, इसको उल्टा बना लेंगे। डिजाइन की 7th रो। 7th रो में क्या करना है हमने, अब ये 3 फंदे हैं, इसमें हमने पहले इन दोनों फंदों को इस तरह से ले लेना है। और ये जो फंदा दिख रहा है, इसको हमने सीधा बना लेना है इस तरह से। फिर इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से ले लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ रखेंगे, अब इन 3 फंदों में क्या करना है, पहले हमने इस फंदे को पहले ऐसे ले लेंगे, सीधे हाथ की सिलाई में रख लेंगे, फिर इस फंदे को बना लेंगे, और फिर इसके बाद इन दोनों फंदों को इस फंदे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, आगे की तरफ धागा, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा। यहाँ पर हमारी 7th रो भी कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से बन गया है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन। 8th रो, जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे ही बना लेना है। यहाँ पर हमारी 8th रो भी कंप्लीट हो चुकी है, 8th रो का डिज़ाइन है फ्रेंड्स से। जैन स्वेटर के लिए बेहद आसान डिज़ाइन और बेहद खूबसूरत डिज़ाइन इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स से। इसके बाद हमने क्या करना है, 4 रो हमने सीधा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेनी है। फिर अब इसके ऊपर से जो दिख रहा है, इधर से ये दिख रहा है, अब इसके हम 3 फंदे नीचे, 1 2 3 फंदे नीचे, यहाँ से अब हमने धागा लेना है। 4 रो बनाने के बाद, सीधा उल्टा बनाने के बाद 4 रो, उसके बाद फिर हमने यही रिपीट करना है। जैन स्वेटर के लिए बेहद खूबसूरत डिज़ाइन फ्रेंड्स, पूरा बन के इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन जैन स्वेटर के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।